हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग इसमें विली में, आप सभी को पता है इस स्टंट को विली बोलते हैं, ठीक है जी। तो विली में फिजिक्स क्या इन्वॉल्व है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब एक बाइक जो है बिना एक्सेलरेशन के है, बिना एक्सेलरेशन के है मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो क्या होता है, तब आप अगर देखोगे तो मैं अगर एक सिंपल तौर पे इसको बताने की कोशिश करूँ, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। तो आप ये कहोगे कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली नॉट एट दिस पॉइंट, लेकिन यहाँ पे कहीं होना चाहिए। तो बाइकर प्लस बाइक, इन दोनों का वेट अगर हम कैपिटल एम लिख दे तो एम इन टू जी। अब अगर आप देखोगे तो दो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे, एक रियर व्हील पे होगा, मैंने थोड़ा इधर दिखा दिया लेकिन ये ऐसा होना चाहिए, देखिए ये इस तरफ होगा, ठीक है इसको, और एक इस तरफ हो जाएगा। तो ये फ्रंट व्हील पे इसको हमने एन एफ लिख दिया, और रियर व्हील पे जो नॉर्मल लग रहा है उसको एन आर लिख दिया। मुझे लगता नहीं कोई भी डाउट होना चाहिए। तो अब अभी देखोगे तो क्या होता है, सब कुछ सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। अगर हम कहीं से टॉपलिंग का कोई सिचुएशन नहीं है, नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट देखेंगे, इधर अबाउट दिस पॉइंट और अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट, वी हैव जीरो नेट टॉर्क, मतलब कहीं से कोई टॉपलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है। लेकिन जैसा आप फोटो में देख रहे हो कि भी व्हीली के लिए जो फ्रंट व्हील है इसको ऊपर रोटेट करना है, तो मतलब ये यहाँ से यूं रोटेट करेगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो सबसे पहली जो चीज होनी चाहिए कि भाई नॉर्मल जो फ्रंट व्हील पे है वो जीरो हो जाए। भाई कांटेक्ट लूज करने का मतलब नॉर्मल जो फ्रंट व्हील पे है उसको जीरो होना ही पड़ेगा भाई, बिल्कुल बात ठीक है, ग्रेट। दूसरा, अगर ये इस तरफ जाता है तो एक अल्फा भी तो चाहिए, एक अल्फा चाहिए जो इसको कुछ कह सकते हैं ना कि एंगुलर वेलोसिटी देगा, ताकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, इन टोटैलिटी हम कह दें कि भाई अगर इस बाइक की बात करें तो इसका रोटेशन होगा तो एक एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, तभी तो ये घूम के इधर जाएगा। तो देखो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि मतलब पावरफुल बाइक चाहिए ऐसा कुछ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने ऑल ऑफ द सडन अगर पावर दिया, ऑल ऑफ द सडन पावर दिया, ठीक ठाक पावर दी तुमने, तो पावर देने का मतलब ये होता है, एक और वीडियो में डालूंगा जिसमें कि भी कैसे एक्सेलरेट होता है बाइक उसकी बात करेंगे डिटेल में हम लोग, बट यहाँ पे पावर देने का मतलब रियर व्हील पे बहुत ज़्यादा टॉर्क आया, मतलब ये बहुत तेज घूमने की कोशिश करेगा इस तरफ, एज अ रिजल्ट फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, देखो ये रियर व्हील पे आ रहा है, हम लोग ये इस रियर व्हील की बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रियर व्हील की बात कर रहे हैं। तो अब अगर हमने बहुत ज़्यादा पावर ऑल ऑफ द सडन दिया तो इमीडिएटली एक फोर्स इधर आया। अब जैसे ये फोर्स आया, फ्रिक्शनल फोर्स, अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये करो कि आप आ जाओ किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क देखने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं आ जाता हूँ सेंटर ऑफ मास पे, मान लो इसका ये सेंटर ऑफ मास है, एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं होना चाहिए, डिपेंड करेगा बाइक का मास कितना है, बाइकर का मास कितना है, बट हमने ये कह दिया कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास अगर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा इसका, जरा ध्यान से समझना। तो टोटल वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है था। अब यहीं से देखो, यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, तो अगर आप देखो कि ये दो व्हील्स थे जब वो ग्राउंड पे थे, उसी पॉइंट से मैं सिखाता हूँ आपको। अब देखो ऐसा लिख सकते हो, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक रियर व्हील पे तगड़ा फोर्स इधर आया, ठीक है। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहा हूँ तो डेफिनेटली इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से सिस्टम पे एक एक्सेलरेशन आएगा, फ्रंट व्हील में भी होगा लेकिन वो कॉन्टैक्ट लूज करेगा, वो जीरो हो जाएगा जी। तो अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूँ तो भाई सेंटर पे एक सुडो फोर्स आएगा, बट एज फार एज दैट टॉर्क इज कंसर्न तो कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क लिखने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे उसका जीरो हो जाएगा अगर हम वहीं सेंटर से ही देख रहे हैं। तो यहाँ तक बातें समझ आ रही। तो अब अगर आप देखोगे, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो कि भाई ये एम जी, अब अबाउट सी एम जी का टॉर्क क्या हो गया, जीरो। अगर हम अबाउट सी देखते हैं तो एम जी का टॉर्क क्या हो गया, जीरो। अब हमारे पास क्या बचता है, ये। अब ये जो टॉर्क है, अब देखो एक नॉर्मल होगा इधर और एक ये होगा इधर। तो अगर ये टॉर्क इससे ज्यादा हो जाए, ठीक
ठीक है, अगर ये टॉर्क इससे ज़्यादा हो जाए, अब इससे ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, जरा ध्यान से समझना कि भाई ये जैसे हम यहाँ से देखेंगे तो ये वाला जो फोर्स लग रहा था एन एन रियर, इसका टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज आएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। और इस नॉर्मल का फोर्स भी अगर होता अभी तक कॉन्टैक्ट में है तो इस नॉर्मल का टॉर्क भी किधर आ रहा होगा, फ्रिक्शन के साथ आ रहा होगा, ठीक है जी। लेकिन ये कॉन्टैक्ट जैसे लूज किया, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स अकेले ने इस टॉर्क को बैलेंस किया तो ये नॉर्मल जीरो हो गया, एन फ्रंट वाला जीरो हो गया। थोड़ा और फ्रिक्शन अगर बढ़ा तो क्या हो गया, अबाउट द सेंटर ये यूं घूम सा गया, अबाउट द सेंटर एक नेट टॉर्क आ गया तो ये ऐसा घूम जाएगा। यहां तक बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखो ये यूं ऐसा रोटेट कर गया, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं कि भाई रियर व्हील के एक्सल पे पहुंच जाते हैं फिर क्या हो सकता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, देखना ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको ऐसा सोचो, ये रियर व्हील, ये फ्रंट व्हील, मैं कहता हूं आप यहां आ जाओ, इस एक्सिस से सोचो, रियर व्हील का जो एक्सिस है यहां से सोचो। तो अब अगर आप देखोगे तो इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा, तो सेंटर ऑफ मास के पास एक स्यूडो फोर्स होगा एम इंटू ए, क्योंकि सिस्टम के पास एक्सेलरेशन था, और एक फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे हो जाएगा जी। यहां तक बात समझ आ रही है। अब ये वाला जो नॉर्मल था ये जीरो हो गया फ्रंट व्हील पे, नॉर्मल क्यों जीरो हो गया, क्योंकि जब मैं यहां से देखूंगा तो इस नॉर्मल का तो जीरो था। अगर रियर व्हील पे जो नॉर्मल लग रहा है इसका टॉर्क मैं देखूं अबाउट ओ एन आर अबाउट ओ, तो इसको मैं जीरो लिख सकता हूं। तो अब अगर देखो कि भाई एम जी का टॉर्क, अगर हमारे स्यूडो फोर्स के टॉर्क प्लस फ्रिक्शनल फोर्स के टॉर्क ने एम जी के टॉर्क को बैलेंस कर लिया, ऐसा करते ही एन फ्रंट जीरो हो जाएगा, एन फ्रंट जीरो हो जाएगा। और थोड़ा भी अगर ये स्यूडो फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स के टॉर्क ने मिलके अगर एम जी को ओवरकम कर लिया तो क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसा घूम जाएगा, क्या ये ऐसा घूम जाएगा। तो ये बेसिक फिजिक्स था जो बिहाइंड द व्हीली था। अब इसमें आपने एक चीज देखी कि भाई पावर पावर बहुत ज्यादा होगा तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स बहुत तगड़ा आएगा, ठीक है, बहुत तगड़ा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा तब, क्योंकि सब कुछ फ्रिक्शनल फोर्स पे ही है, फ्रिक्शनल फोर्स से उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तभी वो एमजी के टॉर्क को बैलेंस कर पाएगा और उससे ज्यादा देने के बाद इसको घुमा पाएगा। तो अभी आपने देखा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल पावर का आया, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग साइकिल चलाते हुए भी विली दिखाते हैं, वहां पे तो बहुत पावर नहीं, इनफैक्ट जब वो कर रहे होते उस समय तो वो पैडल भी करना बंद कर चुके होते हैं, वहां पे कैसे ये पॉसिबल है, तो जरा सोचिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे डालूंगा, ठीक है। और याद रखिएगा कल से 15th है, तो अपना रेगुलर कोर्स जो कंप्लीट फिजिक्स पे है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो चलिए शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो, ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स है उसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे।